इंटरेस्ट सर अच्छा रहा। क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे थे? हॉबी अपना एरिया और कौन से सब्जेक्ट, कौन से बोर्ड में था सर आपका? सैनी सर के बोर्ड में था। अच्छा, कितने मेंबर थे सर बोर्ड में? टोटल 3 मेंबर थे। अच्छा, थोड़ा डिटेल से बताएंगे सर क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपको? फर्स्ट जैसे उन्होंने हॉबी का पूछा, मैंने कोई पूजा का ही लिखा था। तो ये क्यों करते हो, इसका क्या मतलब है, ऐसा हमको तो कोई ठीक नहीं लगता। और फिर उसके बाद उन्होंने जॉब पे चालू किया, मतलब मैंने ज्यादा एजुकेशन किया था, एजुकेशन के सारे प्लेसेस पे ले गए। और एक जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम था, उसमें गोविंद गुरु का नाम आ रहा था, फिर गोविंद गुरु पे क्वेश्चन किए। और फिर उन्होंने मेरी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन किए, क्या नौकरी कर रहे हो, इसमें नरेगा की क्या प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, सबसे बड़ी कमियां क्या है पंचायती राज की। और फिर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि इतिहास पढ़ने की मतलब क्या है, इतिहास हमको क्यों पढ़ना चाहिए, जो पास्ट चला गया उसका कोई मतलब तो है नहीं, इतिहास की वैल्यू। और उसके बाद उन्होंने पूछा था इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए क्या, इतिहास के भी दुराग्रह से लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन था। फिर राजस्थान में ऐसा कोई मैटर है क्या जिसमें इतिहास वापस लिखने की कोई प्रोसेस हो रही है। और उसके बाद फिर करंट पे ले गए थे, जीएसटी का पूछा था, जीएसटी क्या है और उसके फायदे क्या है। और लास्ट में था ये जाति और धर्म है वो लोगों को विभाजित करते हैं, क्या ये सही में करते हैं या नहीं करते हैं।